आज हम YouTube चैनल में पढ़ने वाले हैं कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है और ये सारे एग्ज़ामों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर किसी को ये रिएक्शन नहीं आती तो हम मान सकते हैं कि उसको अग्निक आती ही नहीं। ओके, तो पहला क्वेश्चन, कैनिजारो रिएक्शन कौन देगा? तो देखो, कैनिजारो रिएक्शन वो देगा जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। तो बच्चे इसको ऐसे याद करते हैं पर गलत। बच्चों को याद करनी चाहिए, अगर एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो वो कॉन्सेंट्रेटेड एल्कली KOH और NaOH के साथ में कैनिजारो देगा। पर अगर कॉन्सेंट्रेटेड नहीं भी लिखा हो तो कोई बात नहीं, वैसे भी देगा। कुछ एक केस है जिसमें कॉन्सेंट्रेटेड की जरूरत पड़ती है। ओके, अब हम देखते हैं कौन देगा। ये देगा क्योंकि इसके पास अल्फा कार्बन ही नहीं है तो हाइड्रोजन कहाँ से आएगा, इसलिए फॉर्मल्डिहाइड कैनिजारो रिएक्शन देगा। इसको पावर एल्डिहाइड कहते हैं, इसमें अल्फा कार्बन है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए ये एल्डिहाइड भी देगा। थर्ड एग्जाम्पल, बेंजल्डिहाइड भी कैनिजारो देगा क्योंकि यहाँ पर जो हाइड्रोजन था वो निकल चुका है, ठीक है ना, इसलिए कैनिजारो देगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि बेंजीन में नॉर्मली अल्फा हाइड्रोजन होता ही नहीं है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो बेंजीन रिंग देख के ही मान सकते हो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ये एसिटा एल्डिहाइड है, ये कैनिजारो नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, तीन तीन। ये कीटोन है इसलिए क्वेश्चन ही करना बेवकूफी है। और ये एसिटोफिनॉन है, सॉरी बेंजोफिनॉन है, बेंजोफिनॉन भी नहीं देगा क्योंकि कीटोन है। कुछ बच्चे क्या देखते हैं, इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो देगा, पर वो आधा याद करते हैं। जो भी ये याद करेगा, एल्डिहाइड में अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं हुआ तब कैनिजारो होगी। तो अब बच्चों हमने क्या सीखा कि जिस भी एल्डिहाइड में कैनिजारो रिएक्शन, जिस भी एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा वो कैनिजारो रिएक्शन देगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। कैनिजारो रिएक्शन सेल्फ रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल है। इसको हम डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। इसका मतलब हुआ एक ही मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होगा और एक ही मॉलिक्यूल का, उसी एल्डिहाइड मॉलिक्यूल का रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होगा। तो हमने यहाँ पे क्या सीखेंगे कि अगर हम एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करते हैं, तो एसिड बनता है हमेशा, और जब एल्डिहाइड का रिडक्शन करेंगे तो अल्कोहल बनेगा। तो जब हम कैनिजारो कराएंगे तो एक एल्डिहाइड मॉलिक्यूल को अल्कोहल में बदल देंगे और दूसरे को एसिड या एसिड के सॉल्ट में कन्वर्ट करेंगे। एसिड का सॉल्ट बेटर आंसर होता है अगर दोनों आंसर दिए हों तो। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, एक एसिड और दूसरा क्या, अल्कोहल। अब आई तीसरी नेक्स्ट बात कि अगर दो अलग अलग एल्डिहाइड हों तो देखो वो एल्डिहाइड एसिड देगा जो ज्यादा रिएक्टिव होगा और वो अल्कोहल देगा जो कम रिएक्टिव होगा। अब बच्चा फिर फंस गया कि मैं कैसे देखूं कि ये ज्यादा रिएक्टिव है। तो एक तरीका तो ये है कि जिसमें प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा वो कम रिएक्टिव हो, और नहीं तो कोई बात नहीं, जो सबसे छोटा होगा, छोटू गिव एसिड एंड मोटू गिव अल्कोहल, ये रट लो, क्या, छोटू गिव एसिड एंड मोटू गिव अल्कोहल। ओके, तो हमने क्या सीखा, वो एल्डिहाइड अल्कोहल देगा जो छोटू जो मोटू होगा और वो एसिड देगा जो छोटू होगा। अब हम आगे चलते हैं। ये रिएक्शन हाइड्राइड शिफ्ट के थ्रू होती है, ये रिएक्शन हाइड्राइड शिफ्ट के थ्रू होती है। और ऐसी अपनी ऑर्गेनिक में सिर्फ दो ही रिएक्शन है, कौन कौन सी, एक रिएक्शन है कैनिजारो और दूसरी है राइमर-टिमर, ठीक है। ये कॉम्पिटिटिव में और मैकेनिज्म की बात है जो हम रिएक्शन के एंड में मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे। ओके, तो हमने यहाँ पर क्या सीखा, कैनिजारो रिएक्शन हाइड्राइड शिफ्ट के साथ होती है और अगर हम एक ही याद करनी है तो कैनिजारो याद करेंगे, राइमर टीमान में इतना कॉमन नहीं।
अब आते हैं प्रोडक्ट। तो हमने देखा क्या फॉर्मल्डिहाइड कैनिडारो देगा, यस फॉर्मल्डिहाइड कैनिडारो देगा। तो बच्चों देखो एक एक बात एग्जाम में नोट करना, मैंने यहाँ टू मॉलिक्यूल लिख रखे हैं पर पेपर में कभी टू मॉलिक्यूल नहीं आएंगे, एक मॉलिक्यूल आपको सेल्फ लिखना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, एक एल्डिहाइड का रिडक्शन कर दिया मिथेनॉल में और दूसरे एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कर दिया फॉर्मिक एसिड या फॉर्मिक एसिड के सॉल्ट। सॉल्ट क्यों बनता है, क्योंकि एसिड NaOH के साथ रह ही नहीं सकता, तो एसिड और NaOH मिलकर हमेशा सॉल्ट बना लेते। नेक्स्ट एग्जांपल, क्या बेंजल्डिहाइड कैनिडारो देगा, यस क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं, पेपर में एक था हमने दूसरा लिख लिया। अब देखो क्या किया, एक एल्डिहाइड को तो किसमें कन्वर्ट कर दिया एल्कोहल में और दूसरे एल्डिहाइड ग्रुप को किसमें एसिड। ये हमने स्टार्टिंग में सीखा था कि एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करें तो एसिड और रिडक्शन करें तो एल्कोहल। अब हम आते हैं नेक्स्ट की तरफ, मोस्टली ये ज्यादा पूछा जाता है कि ये देखो दो एल्डिहाइड है और दोनों ही एल्डिहाइड कैसे हैं अलग अलग, तो अब कैनिडारो तो होगी लेकिन अब कौन एसिड देगा और कौन एल्कोहल देगा। तो हमने थोड़ी देर पहले सीखा था मोटो एल्कोहल देगा, तो मोटो कौन दिखता है, मोटो दिखता है बेंजल्डिहाइड, तो बेंजल्डिहाइड में तो क्या बनेगा CH2OH और छोटो गेव एसिड, तो फॉर्मिक एसिड क्या बनाएगा एसिड या फिर एसिड का सॉल्ट। इस वाले एग्जाम्पल में या इस वाले एग्जाम्पल में एक बात और नोट करनी चाहिए, कुछ बच्चे CH2OH की जगह पर OH लिख देते हैं, फिनॉल बना देते हैं, जो रॉन्ग है क्योंकि इसके पास एक कार्बन है। ओके तो हमने यहाँ पे समझ लिया फॉर्मल्डिहाइड से बनेगा मिथेनॉल फॉर्मिक एसिड का सॉल्ट, बेंजल्डिहाइड से बनेगा बेंजाइल एल्कोहल और बेंजोइक एसिड या सॉल्ट, और जब दोनों अलग अलग होंगे तो छोटू से बनेगा एसिड और मोटू से बनेगा एल्कोहल। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये हमारा इंटरनल कैनिडारो रिएक्शन, ये हमारी इंटरनल कैनिडारो रिएक्शन है और ये इसका नाम है ग्लायोक्सल। ग्लायोक्सल कैनिडारो रिएक्शन देता है क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, हाइड्रोजन तो है अल्फा अगर हम देखें पर डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो जब अल्फा हाइड्रोजन एल्डिहाइड में डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा तब भी वो कैनिडारो देगा। तो अगर हमने एक ही मॉलिक्यूल लिया, अगर हमने एक ही मॉलिक्यूल लिया तो देखो एक एल्डिहाइड से तो हो गया रिडक्शन और दूसरे एल्डिहाइड से क्या हुआ ऑक्सीडेशन, लेकिन अगर हमने दो अलग अलग मॉलिक्यूल लिए तो देखो एक एल्डिहाइड तो एसिड में ऑक्सीडाइज हो गया और दूसरा एल्डिहाइड एल्कोहल में रिड्यूस हो गया। ओके तो ग्लायोक्सल कि अगर टू मोल के साथ करेंगे तो दो प्रोडक्ट बनेंगे और अगर हमने सिंगल मॉलिक्यूल के साथ किया तो फिर सिंगल प्रोडक्ट बनेगा। नाउ वी डिस्कस सम एक्सेप्शनल एग्जांपल। इस एल्डिहाइड में ये अल्फा हाइड्रोजन है, इस एल्डिहाइड में ये अल्फा हाइड्रोजन है, तो अब डाउट आएगा कि कैनिडारो देगा या नहीं देगा। ये एकमात्र एक्सेप्शन है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन sp3 कार्बन से अटैच है और ये कैनिडारो देता है। कुछ टीचर इसको करा भी देते हैं और कहते हैं दोनों देगा, पर बच्चा ऐसे में कंफ्यूज हो जाएगा कि पेपर में क्या करूं, तो ये कैनिडारो देगा। अब हम देखते हैं क्या ये कैनिडारो देगा, इसके पास ये अल्फा हाइड्रोजन है पर इसका नाम है क्रोटन एल्डिहाइड, ठीक है ना, तो ये अल्फा हाइड्रोजन डबल बॉन्डेड वाले कार्बन से अटैच है इसलिए कैनिडारो देगा। दिस इज एक्रोलीन, ये एक्रोलीन है, इसमें भी ऐसा ही है, डबल बॉन्ड वाला कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन है इसलिए एक्रोलीन भी कैनिडारो रिएक्शन देगा। नॉर्मली इनके प्रोडक्ट बनाने को नहीं आते, फिर भी अगर पूछ ले तो एक एल्को एक मॉलिक्यूल के एल्डिहाइड को एसिड में बदल दो और दूसरे को CH2OH मींस एल्कोहल में बदल दो। ओके नेक्स्ट नेक्स्ट रिएक्शन, हम इसकी मैकेनिज्म की तरफ जाते हैं कि ये रिएक्शन कैसे होती।
एल्डिहाइड हमेशा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं, और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है कि कौन एल्डिहाइड कौन सी रिएक्शन देते हैं, तो हमेशा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। अगर आपको नहीं भी आता हो तो अभी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। अब देखो ये OH जाएगा और पॉजिटिव कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, पॉजिटिव कार्बन के ऊपर अटैक करेगा तो यहाँ पर एक नेगेटिव आयंस बन जाएगा। तो न्यूक्लियोफाइल का एल्डिहाइड और कीटोन के रिएक्शन में काम होता है न्यूक्लियोफाइल बनाने में हेल्प करना। अब ये न्यूक्लियोफाइल बन गया है, अब ये न्यूक्लियोफाइल में हाइड्राइड का शिफ्ट होगा, हाइड्राइड का शिफ्ट होगा जो हमने पहले पढ़ा था, दो ही रिएक्शन है जिसमें हाइड्राइड शिफ्ट होता है। तो ये हाइड्रोजन नेगेटिव होकर इस पॉजिटिव कार्बन पे अटैक करता है, पॉजिटिव कार्बन पे अटैक करेगा तो ये मिथॉक्साइड आयन बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा मिथॉक्साइड आयन, और देखो दूसरा बन जाएगा क्या फॉर्मिक एसिड, पर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो ये एसिड फॉर्म में रह ही नहीं सकता, तो फॉर्मिक एसिड जब अपना एच लूज करता है तो मिथॉक्साइड आयन तो मिथेनॉल में बदल जाता है और एसिड एसिड के सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि बेस की प्रेजेंस में एसिड रिवाइव नहीं कर सकता। अब हम लास्ट कंसेप्ट पे जा रहे हैं और इसी में एक नई रिएक्शन पढ़ेंगे, उसका नाम है टिशिंको रिएक्शन। टिशिंको रिएक्शन कैनिजारो रिएक्शन का एक्सटेंशन है, लेकिन फर्क क्या है कि इसमें वो देगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा, टिशिंको रिएक्शन वो देता है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा। इसका कैटलिस्ट होता है एल्युमिनियम इथॉक्साइड जो एक पावरफुल न्यूक्लियोफाइल है। तो इसमें हमने क्या किया कि एल्डिहाइड के टिशिंको करी और टिशिंको में हम जानते हैं कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो जाएगा, तो देखो एक मॉलिक्यूल तो एसिड में और दूसरा अल्कोहल में बदल जाएगा, ठीक है ना, ये स्टेप बुक में आपको नहीं मिलेगा। तो एसिड बन गया और अल्कोहल बन गया। अब 10th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे कि एसिड और अल्कोहल जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो एस्टर बन जाएगा। अब भैया कभी कभी क्वेश्चन आता है कि क्या ये टिशिंको में बना है, तो टिशिंको में खास बात होती है और वो खास बात क्या है, आप देख सकते हैं इधर कितने कार्बन है दो और इधर कितने कार्बन है दो। तो भैया कॉम्पिटिटिव के बच्चों के लिए टिशिंको के प्रोडक्ट में दोनों तरफ कार्बन की नंबर बराबर होगी, मतलब राइट में भी दो और लेफ्ट में भी दो। कैनिजारो रिएक्शन में आज इतना ही, ओके।